मौसम देख रहे हो कितना शानदार हो रहा है। यहाँ पे बारिश भी हो रही है और यहाँ पे देखो भाई साहब पूरे बादल। मनाली के अंदर यार बारिश बहुत ज़्यादा होती है और वहाँ पे वो देखो स्पेशल कहवा। इसकी आवाज़ सुन के ही मैं सुबह जागा हूँ। पूरी रात से बारिश हो रही है यहाँ पे। सुबह की शुरुआत होनी चाहिए योगा के साथ, और स्पेशली जब आप ट्रैवल कर रहे हो तो योगा बहुत ज़रूरी है। तो गुड मॉर्निंग फ्रॉम मनाली। और आज हमारे राइड का तीसरा चौथा जो भी कोई सा दिन है वो दिन है, और हम लोग कल मनाली में आए थे। रूम हमने डायरेक्टली बुक करा दिया था। आज सुबह से क्या यहाँ का मनाली का मौसम बड़ा ही शानदार हो रखा है। सुबह से बारिश हो रही है, जो नज़ारे हैं यहाँ पे जो बादल हैं भाई साहब क्या अल्टीमेट सीन लग रहा है। आप एक बार ये जो बादल चल रहे हैं ना, इसका ये सुंदर सा जो टाइम लैप्स है ये देखिए। तो जैसे मैं बता रहा था कि भाई साहब यहाँ पे जो बादल हैं कितने शानदार और कितने प्यारे लग रहे हैं, और अभी आप मेरे पीछे देख सकते हो यहाँ पे सीन। बताते हैं जब ये बर्फ़ से पूरा एरिया ढक जाता है तो और भी शानदार लगता है। यहाँ पे नीचे है ना बहुत सारे एप्पल के पेड़ लगे हुए हैं। कि हम लोग यहाँ से 11 बजे यहाँ से निकलने का प्लान है, और आज हम लोग जिस्पा जाएंगे। जिस्पा पहुँचने में हमें 3 से 4 घंटे, तो गूगल मैप बता रहा है वहाँ के कितना टाइम लगता है ये देखते हैं। ऐसा मौसम बड़ा ही शानदार हो रहा है, तो आज का दिन चलिए फिर शुरू करते हैं। तो यहाँ पे जो मैं बता रहा था ये देखिए, यहाँ पे एप्पल लगे हुए हैं इस जगह। ये क्लियरली दिख नहीं रहे, लेकिन ये जितने भी नीचे पेड़ दिख रहे हैं सारे ये एप्पल के हैं। और भाई साहब वो वहाँ पे देखिए, वो जो जंगल है ना वो भी अल्टीमेट लग रहा है। ऐसा फीलिंग आ रही है जैसे कोई हॉलीवुड की मूवी का सीन चल रहा हो। और भाई साहब नज़ारे, और यहाँ पे देखिए ये हमारे जय यादव ब्लॉग सर, जयपाल जी। सब्सक्राइब कर लेना। हाँ, इनके YouTube चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, बड़े ही प्यारा कंटेंट बनाते हैं ये। और ये स्पेशलिस्ट हैं गोवा के। आपने अगर इनकी गोवा सीरीज़ की वीडियो नहीं देखे हैं तो वो ज़रूर से देखना। अगर आपने एक बार भी गोवा का सोचा होगा तो मेरे ब्लॉग ज़रूर देखे होंगे। हाँ, और उससे आपको बहुत हेल्प मिलेगी, क्योंकि इन्होंने इन्होंने क्या वहाँ पे बहुत सारी आपको इन्फॉर्मेशन शेयर करी है गोवा से रिलेटेड। तो गोवा से रिलेटेड कोई भी इशू हो आप इनके चैनल पे जाके देख सकते हैं। भाई साहब कितना सही नज़ारा है, कितना सही नज़ारा है, वाह आँखों में जो ये दिख रहा है ना। और वहाँ पे देखो यहाँ पे चिन्नी चिन्नी बर्फ़ है, छोटी सी बर्फ़ यहाँ पे है। चलिए इनको थोड़ा सा हम आँखों में समाते हैं, फिर आपसे मिलते हैं आगे। मनाली को लोकल एक्सप्लोर करने के लिए हमारे पास यहाँ पे सिर्फ 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 और सिर्फ 2 घंटे हैं, तो रेडी हो चुके हैं एकदम, बारिश के हिसाब से रेडी हो चुके हैं और अभी बस निकल रहे हैं यहाँ से। रेडी? अभी हम लोग आ चुके हैं यहाँ बाइक पे, और अभी निकल रहे हैं हम यहाँ का लोकल मार्केट एक्सप्लोर करने के लिए। देखते हैं। ओके भाई साहब, सामने नज़ारा भी देखते जाइए आप लोग, मैं रोड देखता हूँ, आप लोग नज़ारा देखिए। वाह, रात को आए थे यार इस रोड से, तब तो बहुत ज़्यादा डरावनी लग रही थी। अभी खैर हाल फिलहाल इतनी डरावनी नहीं लग रही है, क्योंकि अपनी बाइक्स भी अभी लोडेड नहीं है, तो इतना कोई इश्यू होगा नहीं। रात को तो भाई साहब ये जो रोड है काफ़ी डेंजरस लग रही थी मेरे को। तो ब्रेक में चेक कर लेता हूँ, ठीक है दोनों ब्रेक साथ लगाने हैं। थोड़ा सा फॉग आ रहा है, उसका ध्यान रखना पड़ेगा। हम तो सेकंड गियर में बिल्कुल आराम आराम से उतारेंगे बिना ब्रेक लगाए। वाह 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 वाह, यहाँ ब्रेक लगाने की जरूरत पड़ेगी। वाह यार बड़ी प्यारी जा रही है अभी तो। तो फाइनली हम मनाली की गलियों में मोटो ब्लॉग करते हुए, हा 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 हा, बिना लोडिंग वाली बाइक चलाने में तो भाई साहब अलग ही आनंद आता है यार। शानदार शानदार, आराम आराम से मजे ले। और मेरा तो पीछे वाला टायर स्लिप कर रहा है
वाह 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 वाह। क्या ढलान आई है यार, शानदार नज़ारा, जानदार नज़ारा, वाह वाह वाह। आप लोगों को शायद यहाँ पे स्लोप इतना लग नहीं रहा होगा, लेकिन रियलिटी में वो स्लोप बहुत ही ज़्यादा है। एक्शन गेम शायद जस्टिफाई नहीं कर पा रहा होगा इस स्लोप को, जो स्लोप अभी यहाँ पे दिख रहा है भाई साहब एक नंबर। हल्की हल्की बारिश की बूंदें, हाँ 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 भाई साहब अति उत्तम। अभी हम लोग शायद हिडिंबा टेंपल की तरफ जा रहे हैं, और यहाँ से थोड़ी वापस चढ़ाई चालू हो गई है, और तंग सड़क है, खतरनाक सा माहौल है यार। हिडिंबा टेंपल के लिए भी अच्छी खासी चढ़ाई है, पहले गियर में चढ़ रही है मालियन। बच गया बच गया बच गया बच गया शायद। ओके तो हम यहाँ पे पार्किंग में पहुँच गए हैं, अब यहाँ से देखते हैं कहाँ है किधर है। वाह पेड़ बड़े ही शानदार लग रहे टेम्पल है ये पूरा, यहाँ पे देखो लकड़ी से बना हुआ है, और इसके 12 सिंग के या पता नहीं किसी चीज़ के सिंग लगे हुए हैं। इससे आगे ले पूरा ये लकड़ी से बना हुआ है टेम्पल है, और बाकायदा इसमें बिल्कुल बारीक बहुत नक्काशी, शानदार नक्काशी करी हुई है। एक बार तो आके इसको एक्सपीरियंस करना बनता है यार, अमेजिंग। इसके जो हिस्ट्री है थोड़ी सी आपको पढ़ के बता देते हैं फटाफट। देवी हिडिंबा का समर्पित है पेगोडा शैली का ये प्राचीन मंदिर है, जो कि बोलो के राजा बहादुर सिंह ने बनवाया था। प्राचीन कथा के अनुसार हिडिंबा महाभारत काल में एक विशेष कार्य की पूर्ति के लिए राक्षस कुल में पैदा हुई थी। ये अपने भाई हिडिंब के साथ रहती थी, जो कि बहुत बलशाली था, और सारे क्षेत्र में उसकी देश थी। जब पांडवों के अज्ञातवास के समय भीम और हिडिंबा का मिलन हुआ, वो हिडिंब को कतई पसंद न था, जिसके वजह से उसने भीम को युद्ध लगाया। कई दिनों तक दोनों में भीष्म युद्ध हुआ, और अंत में भीम ने उसे मार गिराया। इसके पश्चात माता कुंती के आशीर्वाद से भीम और हिडिंबा का विवाह हुआ। इस शर्त पर हुआ कि भीम केवल संतान होने तक ही हिडिंबा के साथ रहेंगे, उसके बाद अपने भाई और माता संग चले जाएंगे। माता कुंती अपने चारों पुत्रों के साथ भीम को हिडिंबा संग छोड़कर आगे निकल जाते हैं। ठीक एक वर्ष के बाद हिडिंबा को पुत्र की प्राप्ति होती है, जिसका नाम कठोत्कच रखा गया। यही कठोत्कच महाभारत में एक विशेष भूमिका निभाता है, जब कर्ण के द्वारा छोड़े गए अचूक शस्त्र को अपना बलिदान देकर उसे अपने ऊपर लेकर अर्जुन के प्राण बचाता है, और मरते मरते भी कौरवों की सेना को भारी क्षति पहुंचाता है। इस महान बलिदान के बाद भगवान श्री कृष्ण पुत्र कठोत्कच और माता हिडिंबा दोनों को वरदान देते हैं कि आने वाले युगों में तुम्हारे इस बलिदान को सदा याद रखा जाएगा। इसके बाद माता हिडिंबा ने यहाँ पर अपने राक्षस स्वरूप को त्याग कर कई वर्षों तक तपस्या करी। कुल्लू में क्रूर प्रीति ठाकुरों के शासन के सर्वनाश कर विहिंग मणिपाल को कुल्लू के राजा सिंहासन पर बैठा। आज माता हिडिंबा के काली और दुर्गा के रूप में पूजा जाता है। मंदिर के भीतर विशाल शिला के नीचे माता हिडिंबा के चरणों और बड़ी शिला के साथ महिषासुर मर्दिनी के दर्शन कर सकते हैं। यहाँ पे मेला भी लगता है, कुल्लू में दशहरा भी माता हिडिंबा के द्वारा शुरू किया गया था। यहाँ आसपास का जो वन है उसका भी व्यू काफी शानदार है, एक बार आपको मोबाइल के कैमरे से दिखा देते हैं। वही हिडिंबा टेम्पल के दर्शन हो चुके हैं, वहाँ से निकल रहे हैं वापस, और अभी हमारी जो फर्स्ट प्रायोरिटी है वो है अपनी चांदनी की सर्विस, क्योंकि इसकी सर्विस कराए हुए मुझे शायद साल भर हो गया, तो एक बार इसका चेकअप कराते हैं, और अगर ज़रूरत हुई तो सर्विस कराते हैं, और अगर यहाँ पे थोड़ा टाइम लगता है तो पूछते हैं कि अगर लेह तक चल जाए फिर लेह के बाद इसकी सर्विस कराएंगे, लेह में सर्विस करा लेंगे। तो
तो चलिए फिर फटाफट जो यहाँ का आरी का ऑफिशियल सर्विस सेंटर है वहाँ पे चलते हैं। पे जो नदी आ रही है ना उसमें पानी का बहाव देखो आप कितना ज़्यादा है, बहुत ही ज़्यादा यहाँ का पानी का बहाव है, बहुत ही तेज यहाँ पे नदी चल रही है इस समय। तो इसी की आवाज़ थी जो हमारे होटल के रूम तक सुनाई दे रही थी। भाई साहब बहुत बहुत ही ज़्यादा बहाव है यार। एक बार वापस से बारिश का दौर चालू हो गया है और यहाँ पे भाई साहब मजे लेते हुए छोरा पीछे गाड़ी आ रही है। तो भाई साहब मौसम ही ऐसा कुछ हो रखा है, इतना खतरनाक बहुत ही शानदार मौसम हो रखा है। यहाँ पे झरने बहने चालू हो गए हैं, लैंडस्लाइड वाला एरिया है थोड़ा सा, वहाँ पे देखो पत्थर भी गिरे हुए हैं, फोटोग्राफी चल रही है यहाँ पे, और बादल और बाइक, वाह एक नंबर। देखते हैं यहाँ पे सर्विस का हो पाता है नहीं जुगाड़। तो उस दिन जैसा कि आपने अभी तक वीडियो के अंदर देखा कि काफ़ी तेज़ बारिश हो रही थी, तो जो हमारे जितने भी कैमरा थे मतलब एक्शन कैम और मोबाइल ठीक से काम नहीं कर रहे थे। एक्शन कैम ने तो बिल्कुल काम करना ही बंद कर दिया और वो क्या कर रहा था 10-10 सेकंड की क्लिप बना रहा था। तो हम लोगों ने वहाँ पे सर्विस करवाने के बाद क्या किया, सर्विस तो क्या जनरल चेकअप कराने के बाद हमने वहाँ से जो जेरी कैन है वो परचेज़ किए, साथ में कुछ तिरपाल परचेज़ किए और क्या बोलते हैं गम बूट भी परचेज़ किए थे। उसके बाद हम लोग आगे निकले तो वहाँ पे अटल टनल के अंदर मतलब जो क्लिप्स हैं वो कुछ ऐसे हैं जो आप दिख रहे हैं, ऐसे 10-10 सेकंड की 2-2 सेकंड की क्लिप बनी है। मतलब अटल टनल का भी कोई वीडियो नहीं बन पाया क्योंकि पूरी तेज़ बारिश के कारण बिल्कुल कैमरे ख़राब हो गए थे। फिर उसके बाद अटल टनल क्रॉस करते ही हमारा सामना हुआ पागल नाले से। तो जो पागल नाला है जो उसकी फुटेज है वो जे भाई का जो गोप्रो था उसमें रिकॉर्ड हुई, तो वो क्लिप आप अभी देखिए। इस तरीके से हम तीनों ही लोगों ने बिना गिरे जो पागल नाला था वो कंप्लीट पार कर लिया। उसके बाद सबसे एंड में आया जो था वो तांडी पेट्रोल पंप, और वहाँ तक भी हमारे जो कैमराज थे वो काम नहीं करे। तो तांडी पेट्रोल पंप की भी ये कुछ क्लिप्स हैं जो कि जे भाई के कैमरे से डायरेक्ट आप देखिए। तो अभी हैं हम तांडी पेट्रोल पंप पे और यहाँ पेट्रोल का प्राइस है 100 रुपये लीटर। लेह से पहले ये आखिरी पेट्रोल पंप है,
ये यहाँ पे आखिरी पेट्रोल पंप है, और अगला जो पेट्रोल पंप है वो है लेह कारू में, जो 365 किलोमीटर दूर है यहाँ से। फिर हम लोग पहुँच गए थे केलोंग, और केलोंग तक की फिर कोई रिकॉर्डिंग नहीं हो पाई। तो फाइनल हम लोग आ चुके हैं यहाँ केलोंग, केलोंग के अंदर हम लोग पहुँच चुके हैं। तो मनाली से जो अटल टनल का रास्ता था वो मेरे लिए थोड़ा सा खराब था, लेकिन अटल टनल के बाद जो रास्ता था वो मेरे लिए अच्छा था। हालांकि वहाँ पे अटल टनल क्रॉस करते जो ये पागल नाला है ना, वो आज भाई साहब वो परीक्षा नहीं, वो अग्नि परीक्षा के मूड के अंदर था, और उसने काफ़ी भयंकर परीक्षा ली, मतलब बहुत तेज बह रहा था। फिर भी हम लोगों ने क्या किया, उसको ईजीली क्रॉस कर लिया, मतलब कोई नहीं गिरा, हम तीनों ने अच्छी तरह से क्रॉस किया। बस सबसे बड़ा मूड ऑफ ये हो रहा है कि आज जो बारिश हो रही थी कंटिन्यूस, उसके कारण हमारी मेरी तो एक तो बाइक में भी प्रॉब्लम आई पहले, फिर उसके बाद जो मेरा एक्शन कैम है उसमें भी प्रॉब्लम आई, जिसके चलते मैंने ऑटो ब्लॉग भी नहीं किया ज़्यादा। फिर उसके बाद हुआ क्या कि हमारे जो ये मोबाइल है इसके कैमरे ने भी बीच में धोखा दे दिया, पूरा वाइट वाइट हो गया, मैं तो भाई साहब और भी ज़्यादा घबरा गया, मेरा मूड और ख़राब हो गया। तो कुल मिला के बस हम तो क्या राइड इंजॉय कर रहे थे, हाँ ब्लॉग नहीं बना पाए, लेकिन जब तक ब्लॉग नहीं बना पाते तब तक भाई साहब फिर दिमाग थोड़ा ख़राब सा ही रहता है। तो आज का दिन एंड हुआ, और आज हम स्टे ले रहे हैं यहाँ केलोंग के अंदर, कल देखते हैं सरचू से होते हुए हम जिस्पा सरचू या कहाँ तक पहुँचते हैं, वो कल के ब्लॉग में देखेंगे। तो वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, और चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करके जरूर जाना, और आपका कोई भाई बंधु है जिसको कि ये वीडियो या ऐसे ट्रैवलिंग के कंटेंट ये सब चीज़ें अच्छी लगती है तो उसको ये वीडियो शेयर कर देना, क्या पता उसके कुछ काम आ जाए। पीछे आप देख रहे हैं इस समय यहाँ पे स्नो माउंटेंस दिख रहे होंगे, और अभी यहाँ पे रात हो चुकी है, लेकिन फिर भी यह बहुत शानदार कलर आ रहा है। तो बस आज की वीडियो में इतना ही, मुझे इजाजत दीजिएगा। हाँ, हमारा सारा सामान वहाँ पे अंदर भीगा हुआ पड़ा है, तो उसको सेट वगैरह किया है, और अब हम यहाँ पे बस डिनर करने जाते हैं। नेक्स्ट वीडियो में तब तक मुझे और हम सबको जो कैमरा मैन है उनको भी, हम सभी को इजाजत दीजिए। टाटा, बाय बाय, नमस्कार, गुड नाइट। चैनल को सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल भी मत जाना भाई। हाँ, और भाई के चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, भाई का चैनल है जय यादव ब्लॉग्स, जो चैनल है उनके कंटेंट अलग अलग मिलेंगे दो, क्योंकि दोनों के ब्लॉगिंग का फ्लेवर अलग है, इनकी ब्लॉगिंग का फ्लेवर अलग है, मेरा फ्लेवर अलग है, तो दोनों के लेटर लेना भाई, बहुत मेहनत कर रहा है यार। अब आप लोगों के सपोर्ट की जरूरत है, कुछ कुछ लोगों को बहुत ऊपर पहुँचा दिया जो किसी लायक नहीं थे, भाई इतनी मेहनत कर रहा है यार, सपोर्ट करो दबा के। तो दोनों के वीडियोस आप कंप्लीट देखना, अगर आपको ये जो लद्दाख का इस सीज़न की, मतलब नॉर्मल तो विंटर लद्दाख जो होता रहता है, लेकिन पहली बार मेरे को लग रहा है कि मानसून लद्दाख हो रहा है, मानसून लद्दाख हो रहा है। आज जो पागल नाला था, आप यकीन मानिए 3 फीट से ज़्यादा पानी था वहाँ पे, और लैंडस्लाइड उसके साथ में डस्ट कीचड़ बहुत ज्यादा था, उसमें बाइक निकालना अपने, लेकिन भाई साहब हिमालयन ने जबरदस्त परफॉर्म, पानी जो आ रहा था बहुत ज्यादा फोर्स से आ रहा था, क्योंकि आपको पता होगा हिमाचल में इस टाइम लगभग जगह पे फ्लड आया हुआ है, कहीं बादल फट रहे हैं, तो वैसी कंडीशन यहाँ पे थी कल। तो ये न्यूज भी आ रही थी कि भाई हाँ धर्मशाला वहाँ पे बादल फटा है, जो कि काफी गंभीर बात है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक। तो ये जो मेरा ये गोड्स टाइटन X2 फलाना X2, ये जो बैग है एक नंबर के घटिया बैग है, मतलब इसके अंदर आप देख रहे हो ये तालाब बन गया था पूरा, जो तो मैंने ये पॉलीथीन लगा के बचाए हैं। इनके जो रेन कवर हैं ये पता नहीं क्यों दे रहे हैं, ये डस्ट कवर हैं कि रेन कवर हैं ये समझ में नहीं आया। तो कोई अगर ये गोड्स से देख रहा है मेरे वीडियो गोड्स से देखेंगे तो तुम पैसे वापस कर दो तुम्हारे चक्कर में मेरे एक्शन कैम और सब की वाट लगने वाली थी लिटरली कोई मत लेना, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, आपका कुछ हो सकता है, आपको कुछ हो सकता है, आपका वाटरप्रूफ हो जाए, लेकिन मेरा तो भाई साहब तालाब बन गया, हर चीज के अंदर पानी, हर चीज के अंदर पानी, कुछ तो शर्म करो